के रूप में कामकाज संभाल लिया है। जयशंकर अमेरिका में भारत के राजदूत थे। जयशंकर को सुजाता सिंह के बदले विदेश सचिव बनाया गया, जिन्हें कल रात ही हटा दिया गया। जयशंकर दो दिन बाद रिटायर होने वाले थे, उसके बावजूद उनको ये कार्यभार दिया गया, जिसकी वजह से उनके अब कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। फिलहाल सुजाता सिंह की नियुक्ति कहीं नहीं हुई है और इससे कई सवाल भी उठ रहे हैं। लगातार हमारे साथ इंडिया न्यूज के ब्यूरो चीफ राकेश कुमार सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। राकेश जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिन कंडीशंस के बीच ये निर्णय लिया गया, उससे कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि क्या सुजाता सिंह से नाराजगी थी या फिर जयशंकर से बहुत ज्यादा खुश थी सरकार? देखिए, मोदी सरकार के आने के बाद से ही विदेश सचिव की छुट्टी तय मानी जा रही थी। जिस तरह से पाकिस्तान से विदेश सचिव वार्ता रद्द किया गया, उनको किसी तरह से उसमें लूप में नहीं रखा गया था। ओबामा विजिट को लेकर भी उनकी कोई बड़ी भूमिका नहीं थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका दौरा जो सितंबर के दौरान हुआ था, उसमें जिस तरह से जो अमेरिका में जो भारत के राजदूत हैं एस जयशंकर की जो भूमिका थी, जिस तरह से अमेरिका में डंका बजाया और ओबामा को रिपब्लिक डे में मुख्य अतिथि में जो जिस तरह से एस जयशंकर ने जो भूमिका अदा किया, उसके बाद ये तय माना जा रहा था कि एस जयशंकर को विदेश सचिव का पद दिया जा सकता है। लेकिन छह महीने बहुत दिन से कयास लगाए जा रहे थे कि सुजाता सिंह से बहुत खुश नहीं लग रही है सरकार, और साथ ही शायद ये वजह हो कि रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हो और जयशंकर में उनको एक अच्छा रिप्लेसमेंट नजर आ गया हो उनके हालिया परफॉर्मेंस की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी पूरी जानकारी के लिए। यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं।